तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए पावर प्लांट में। तो ये पावर प्लांट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट एटा, और एटा में पड़ता है कस्बा मलावन। तो मलावन में ये पावर प्लांट बन रहा है, और अभी इसको 4 साल होने जा रही हैं बनते हुए, और अभी इसमें 2-3 साल और लगेंगे बनने में। तो आज हम इसी प्लांट में आए हैं। वैसे ही मतलब मैं 2-3 बार में इसमें आ चुका हूँ, मैं 2 बार आ चुका हूँ पहले, और मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मेरे चैनल पर डली हुई हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम फिर से आए हैं, मैंने कहा चलो दिखाते हैं आप मतलब यहाँ पर कितनी का आगे मतलब काम हुआ है, तो आप लोगों में थोड़ी यहाँ की अपडेट देता हूँ। तो जैसे ना यहाँ पर जैसे कि यहाँ जैसे कोयला आया करे ना, तो वो रेलवे स्टेशन मतलब ट्रैक वगैरह बिछ गया है, कोयला उतरेगा, तो वो सारा कुछ तो आगे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा। और फिलहाल आज जो है ना 31 दिसंबर है, आज 2021 का लास्ट दिन है आज। तो आज कोहरा बहुत ज़्यादा दिख, तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, और ये कोहरा भी दिख ही नहीं रहा है पीछे, ये कैसे का सीन है देखो, है लेकिन ये पावर प्लांट ही, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रही बिल्डिंग वगैरह। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं चल के। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि आगे आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मैं दिखाऊंगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. तो ये जो है ना कूलिंग टावर है, ये और आगे तो दिख नहीं रहा है, ये बहुत ऊंचाई है। आपने पिछली वीडियो में हमारी आपने देखा होगा। और ये तालाब ये तो शायद दिख रहा है, देख सकते ये, और ये ना बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसमें तो ये सलियाँ मतलब पड़ी हुई हैं, कि इसमें लेंटर डाला ना इसके नीचे भी और साइड में भी, और इधर ये मशीन चल खड़ी हुई है चैन वाली, तो अभी बंद है कुछ, वो ग्रीसिंग वगैरह साथ कर रहे हैं वो दो। और हाँ, हमारा दोस्त भी यही वाली मशीन चलाता है, ये चैन वाली, तो वो बता रहा है गेट पर उन्होंने कॉल की। तो पावर प्लांट जो है ना बहुत ही बड़ा है भाई, 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो बोल रहा है देखो आऊँगा मैं तब कॉल करूँगा तुमसे, अभी तो फिलहाल बहुत दूर है मेरे से, तो उससे भी मैं पैदल कहाँ तक मिलने जाऊँगा। फिर अभी हम आए थे बाइक से और चलते हैं आगे। और ये कूलिंग टावर और जो ना सूरज यार निकल रहे हैं, सूरज थोड़े निकलना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर सूरज जब तक नहीं निकलेंगे तब तक यार दिखेगा नहीं कुछ प्लांट में। लेकिन मैं आ तो गया हूँ, क्योंकि भैया जो ना सुबह सुबह ही आते हैं, और ये भी आज 12 बजे ही जाएंगे, क्योंकि काम थोड़ा स्लो है यहाँ पर अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं सूर्य निकला है तो वीडियो बनाते हैं। और ये कूलिंग टावर ऊपर तो उसको और आया, ऊपर कुछ नहीं दिखने वाला। ये सूरज चाचा अपने लेकर रहे हैं, धीरे धीरे लेकर आएँ, उसके बाद देखो वीडियो शूट करता हूँ मैं। और भाई उधर चलते हैं भाई, जहाँ पर जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है उधर चलते हैं, उधर का सीन दिखाते हैं एक बार हम। और कोहराम दिख भी दिन रहा है, किधर रेल का ट्रैक है, रेलवे वाला जो ट्रैक बिछा हुआ है, तो चलते हैं जल्दी से। ये बन रहा है कूलिंग टावर, और इस कूलिंग टावर मतलब ये क्यों बनाया था, इसका प्रयोग क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तो आप देख लीजिए इसके अंदर जो ना ये बाहर से भी पोल पकड़े हुए हैं बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे, और इसके अंदर से भी देखो ब्लैक कलर के ये पोल लगे हुए हैं, तो मतलब काफ़ी मजबूती से बनाया गया ये। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आपको बताओ, जैसे कि ये
पीछे कूलिंग टावर। तो इसका जो प्रयोग इसका क्या है तो आपको बता दूँ, जैसे कि ना यहाँ पर कोयले से बिजली बना कर रहेगी, तो आपको बता दूँ जैसे कि ना मतलब एक बॉलर रहेगा, उसमें मतलब पानी भरा जाएगा और उसके नीचे से आग लगाई जाएगी, कोयला जिसमें कोयला डाला जाएगा उसमें आग लगाई जाएगी, तो उस आग से पानी मतलब खोलेगा और पानी से निकलेगी भाप, जिसे इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं, तो स्टीम जो निकलेगी वो जाएगी टर्बाइन में और टर्बाइन मतलब घूमेगी। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, काफ़ी वीडियो डली हुई है मतलब कैसे कोयले से बिजली बनती है, तो वो टर्बाइन मतलब घुमाएगी भाप टर्बाइन को, और टर्बाइन घुमाने के बाद जो भाप बाद में निकलेगी तो इसी कूलिंग टावर में आएगी, और वो भाप जानते हैं मतलब पानी होता है वो, तो वो मतलब वैसे जगह सीधा चला जाएगा बादल में, तो बादल काफ़ी मतलब हो जाएंगे आसमान में जाएगा तो बादल ही बादल छा जाएंगे, तो उसको जो ना मतलब इस कूलिंग टावर में मतलब इसमें अंदर लाया जाएगा और इसमें कुछ मशीनरी को सिस्टम किया जाएगा जिससे कि वो जो है ना भाप जो है ना वो पानी के रूप में बदली जाएगी। तो उससे दो फायदे, एक तो इनका मतलब पानी है मतलब जो पानी मतलब शॉर्टेज कम पड़ेगी, पानी मतलब कम लाना पड़ेगा बाहर से, और दूसरा नंबर ये है कि यहाँ के जो जैसे हम लोग रहते हैं तो यहाँ टोटली जो ना बादल सब छाया रहेगा तो धूप वगैरह कम मालूम पड़ेगी, तो प्रदूषण ज़्यादा रहेगा, तो वो भी फ़ायदा है कि यहाँ प्रदूषण वगैरह कम मालूम पड़ेगा, और जो पानी है ना वो पानी मतलब बाहर से कम लाना पड़ेगा, क्योंकि बम्बई है ना गोविंद ने आपको दिखाया है वीडियो में, तो उसका भी लिंक दे दूँ उसमें, तो बम्बई से पानी आएगा उधर बम्बई है, तो और इधर तालाब मैंने आपको दिखाया होगा, इधर साइड में तालाब है तो उसमें पानी इकट्ठा कराया जाया करेगा, तो वही है। तो इसमें जो ना कूलिंग टावर मतलब मेन है जो भाप निकलेगी ना भाप को मतलब पानी रूप में बदलना, तो वो इसका मेन काम है, तो आपको समझ आया गया होगा, और आगे और कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी सूरज सही से निकल नहीं रहे हैं, देख सकते हो सूर्य निकला है तो आपको मैं सही से प्लांट दिखाऊंगा, क्योंकि सूरज ऐसे निकलेंगे नहीं जब तक तब तक यहाँ का मतलब पूरा व्यू दिखेगा नहीं, तो जल्दी सूर्य निकल आए उसके बाद मैं सारा कुछ व्यू दिखाऊंगा आपको बैक कैम से, तो बने रही मास वीडियो में। तो आप इधर जो ना टोटल लोहा ही लोहा है, और ये मतलब ये रिएक्ट वाला लोहा है जिसके मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह बनती हैं तो वो मतलब गलत बन जाती हैं, तो उनको तोड़ के दोबारा सही किया जाता है, तो वो जो बचा खुचा लोहा है ना यहाँ डाल दिया गया है, और इधर ये पैप डले हुए हैं, और आगे ये पता नहीं ये मतलब देखते ही लोहे की यार कोहरा इसलिए साफ नहीं दिख रही, और आखिर तक जो ना मतलब ऐसी मतलब चेन सी बनी हुई है, इस पर ज़्यादातर ना तार ही मालूम पड़ रहा है, मतलब तारों को इसके मतलब ऊपर से लाया गया है, तो कोहरा यार कोहरा हट नहीं रहा है, कोहरा हट जाए ना तो मैं आपको मैं बहुत कुछ दिखा दूँ, क्योंकि देखते ये जो ना बॉलर है ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेकिन वही है ना कोहरा है तो उसमें दिख नहीं रहा है साफ। और इधर ये तालाब है, इधर जो तालाब की बाउंड्री है वो आपने मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, और इधर ये कुछ बिल्डिंग बन रही हैं इनके बारे में मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं किसी से पता करते हैं मतलब देख, तो सारे लोग काम कर रहे हैं अपना अपना, इधर भी देखो बिल्डिंग मतलब काम चालू है, और आगे से चलते हैं आपको दिखाते हैं शायद वो रेलवे लाइन नहीं दिख रही है मुझे, रेलवे लाइन दिख जाए तो आपको मैं जल्दी से मैं दिखा दूँ, और इसके बारे में मुझे पता ही नहीं क्या क्या ये बन रही है, देखो मतलब ये छतरी टाइम बनी हुई है पता नहीं है क्या चीज़ है, तो जल्दी से चलते हैं रेलवे लाइन देखते हैं चल के, और क्योंकि उसी का जो मुझे ज़्यादा वेट है, क्योंकि मैं ना उसी के चक्कर में आना चाहता था मैं, लेकिन आ नहीं पा रहा था, और इस पर ना यहाँ मिट्टी डली है लेकिन इस पर ना आरसी पड़ी हुई है, मतलब मिट्टी तो हो जाती है क्योंकि मिट्टी ट्रक वगैरह निकलते रहते हैं मशीन वगैरह चेन वाली, तो मिट्टी हुई लेकिन इस पर देखो आरसी मतलब बिछी हुई है, देखो ये देखो लाइन ये लाइनिंग है तो आरसी पीछे हुई है, तो छोड़ो मैं चलता हूँ जल्दी से आगे,